अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं। वेलकम बैक। पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। आप लोगों का ये सीएस स्क्रीनिंग के कल आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था 25 को, उसमें जो मैथ सेक्शन का जो आप लोगों का सारे क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन का ये लेक्चर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इसका पार्ट थ्री है। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग इस पार्ट थ्री के अंदर हम लोग वीडियो चेक करते हैं। क्वेश्चन 105 तक हम लोग पहुंचे थे। 106 देखिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सॉरी कॉर्ड के स्पेलिंग CHORD कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब इसकी ऑप्शन थी जो कि सारी कंफ्यूजन वाली ऑप्शन थी। ए ऑप्शन है जी रेडियस, यहां से भी स्टूडेंट जी कंफ्यूज होता है। बी ऑप्शन था जी इसमें डायमीटर, इसी तरह सी ऑप्शन इसमें था जी सर्कमफेरेंस, और डी ऑप्शन था नन ऑफ दी। इश्यू ये है कि हमें सर्कल का हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि सर्कल में क्या कुछ होता है, उसको हम लोग पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल में बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये जो होता है ना, ये बेटा डायमीटर है, ये एक एंड से दूसरे एंड तक ये डायमीटर है। इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, कॉर्ड होता क्या है? सॉरी, कॉर्ड में पहले आप लोगों को मैं बता दूं, किसी भी सर्कल में कोई भी एक लाइन आप लोग ड्रॉ कर दो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, कोई भी एक लाइन हो, उसको हमेशा हम लोग कहते हैं ये कॉर्ड होता है। अब वो कहता है कि मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा। तो बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड पे इसका डायमीटर बनता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ होता है, और वो मिड पॉइंट से ड्रॉ होता है। मिड पॉइंट क्रॉस, वो मिड पॉइंट से वो क्रॉस होता है। चाहे वो ये डायमीटर हो सकता है, चाहे वो ये डायमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डायमीटर जो मिड से क्रॉस होगा वो उसका लॉन्गेस्ट उसका कॉर्ड होगा। अब सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ये अगर मैं देखा जाए सबसे तो लॉन्गेस्ट ये होता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है वो सर्कल के अंदर वो ड्रॉ होता है, सर्कल के बाहर ड्रॉ नहीं होता। बाहर जो है दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। इसके जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफेरेंस इसमें नहीं आएगा। सबसे जो लेंथ ही जो इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा दैट इज डायमीटर। रेडियस नहीं होगा, रेडियस सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर का हाफ होता है। एक डाई में दो रेडियस होते हैं, या आप कहते हो कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 107 की तरफ चलते हैं। 107 में क्या कहते हैं उसको अभी हम लोग इंशाल्लाह भी देखते हैं। 107 में कहते हैं हाउ मेनी साइड्स ऑफ पेंटागन है। ये भी बेटा बड़ा आसान था क्वेश्चन। ये ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों का आया था, एक पॉलीगन आप बताएं जिसमें 8 साइड है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टागन। इसी तरह ये बेटा 107 में जो 5 साइड वाला होता है ना, 5 साइड की जो शेप होती है उसको बेटा जी कहते हैं पेंटागन। उसको क्या कहते हैं? पेंटागन। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों की थी जी, सॉरी पेंटागन में कितने साइड होते हैं वो उसने साइड पूछे, तो इसका आंसर होगा 5 साइड। ठीक है, ये आप लोगों का बेटा ये ऑप्शन था। इसी तरह नेक्स्ट बहुत ही आसान, ये तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी को वो कुछ पढ़ के ना भी बैठा हो तो वो भी बेटा बता सकता है। कहता है अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एक ये फिगर होती है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, एक ये होती है दैट इज स्क्वायर, एक ये होती है ट्रायंगल। तो जिसमें चारों साइडें बराबर हो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर था, दैट इज रेक्टेंगल। इसके भी चारों साइडें बराबर नहीं होती, लेकिन इसके आमने सामने साइडें बराबर होती है। ये बराबर है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन था जी? बी ऑप्शन था, स्केयर वाला राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा बेटा, 108 के बाद डायरेक्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 122 पे, क्योंकि बीच में कुछ और डिफरेंट आपके आ गए थे क्वेश्चन, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आ गए थे। 122 से फिर दोबारा उसने स्टार्ट ले लिया मैथ। 122 भी एक बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था। इसमें मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक की होगी। इसको जरा देखिएगा इसमें मिस्टेक क्या होगी। कहता है टू पैक 100 पेयर्स ऑफ शूज।
मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बड़ा टेक्निकल उसने क्वेश्चन दिया था, टू पैक 100 पेयर्स ऑफ शूज इन टू केसेस, यानी कि रैक्स के अंदर आप लोगों ने रखने हैं, इन टू केसेस हो गया, इन टू रैक्स हो गया, दैट ईच होल्ड 20 शूज, हर रैक में 20 शूज आते हैं, देन हाउ मेनी केसेस, देन हाउ मेनी केसेस डू वी नीड, हमें कितने केसेस की जरूरत पड़ेगी ऑन 100 पेयर ऑफ शूज को रखने के लिए, अगर हर केस पे अगर 20 शूज अगर आते हो। अब सबसे पहले मेरा जो बेसिक कंसेप्ट, जो मतलब अगर मैं मिस्टेक अगर करना चाहूँ ना, सबसे पहले जो गलती जो हो सकती है वो क्या गलती हो सकती है, आप लोग मैं ऑप्शन में लिख लूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 15 और डी ऑप्शन 20, 100 पेयर ऑफ शूज है, 20 शूज हर एक पे आएगा, वो गुड हो गया यार, 100 डिवाइडेड बाई 20, ये तो मेरा 5 राइट आंसर ओके हो गया। हो सकता है आप में से मोस्ट स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की होगी, लेकिन एक्चुअल में इसको समझने की जरूरत है, जो फॉर एग्जाम्पल एक अगर ये रैक है ना, एक रैक पे वो कहता है 20 शूज आते हैं, बेटा ये 20 शूज है, 20 पेयर ऑफ शूज नहीं है, इसने क्वेश्चन के अंदर इतने 100 पेयर ऑफ शूज दिया, ये 100 पेयर है, 100 पेयर का मतलब ये 200 शूज आएंगे। आप मुझे बताएं कि अगर एक रैक पे अगर 20 शूज आए तो टोटल कितने रैक होने चाहिए, ये टोटल बेटा जी आपके पास टोटल ये 10 टोटल रैक्स होने चाहिए, 10 टोटल आपके पास केसेस होने चाहिए, आप समझ आ गई, ये 20 उसने शूज बताया, पेयर नहीं, पेयर की अगर बात करेंगे इसका मतलब ये 10 पेयर बनेंगे, अगर 10 अगर पेयर होंगे, 200 टोटल पेयर है, और आप लोगों के जनाब जी कितने आ रहे हैं जनाब जी, 10 पेयर, जी आप ये देख ले 20 शूज के लिहाज से आप लोगों का पेयर 10 राइट आंसर आना चाहिए आप लोगों का, ये 100 पेयर अगर हो, 100 पेयर और एक रैक पे अगर 10 अगर पेयर आए तो 10 into 10 100, ये 10 पेयर आपका राइट आंसर आना चाहिए, 5 आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये मोस्ट स्टूडेंट ने ये 5 लगाया होगा, आंसर किए थे आप दोबारा भी मैच कीजिएगा, 10 आपका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है जी बेटा, ओके क्लियर। 123 की तरफ चलते हैं, 123 में भी एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताना है, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स और 50 क्यूब फॉर्म में है, ठीक है जी। अब ये कहता है टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था, टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब with none left over, with none left over, what will be the minimum number of, what will be the minimum number that needs to be taken, that needs to be taken. अब उसका क्वेश्चन यह है कि अगर मेरे पास 50 अगर ब्लॉक्स अगर हों, क्यूबिक ब्लॉक्स हों, मैंने अगर एक सॉलिड क्यूब अगर एक बनाना हो तो उसमें मुझे कम से कम उसमें से कितने चाहिएंगे, या आप ये कह लें कि उनमें से कितने अगर उठा के अगर मैं साइड पे करूँ तो मेरा क्यूबिक ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें बेटा आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 50 के नज़दीक तरीन कौन सा क्यूब बन रहा है, एक तो 50 के नज़दीक तरीन बनता है 64, जो कि 4 into 4 into 4 64 बनता है। अब दूसरा 50 के नज़दीक बनता है 27, यानी कि 3 into 3 into 3 27। अब उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है वट विल बी इज द मिनिमम नंबर, अब मिनिमम नंबर जो कि मुझे वहाँ से उठाने हैं, यानी कि वहाँ से उनको मैंने साइड पे करना है, जब आप 50 में से ये 27 जब आप निकाल देंगे, यानी कि ये तो मुकम्मल आपका बन जाएगा क्यूब, ठीक है,
27 ही आप लेंगे जिनकी जिनकी हेल्प से वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पीछे कितने बचेंगे 23, तो 23 वहां से आपको उठाने पड़ेंगे, तब जाके उनका कंप्लीट एक क्यूब बनेगा। ठीक है, यानी कि टोटल अगर आपको 50 अगर आपका पड़े हैं उनमें से 23 अगर आप उठा लें तो उसके बाद 27 बचता है, 27 आपका एक कंप्लीट क्यूब बचता है। ठीक है जी, समझ आ गई। उसने क्यूबिक ब्लॉक उसने एक बनाना था, तो 23 जब आप इसमें से उठाएंगे तो तब आपका राइट ऑप्शन आएगा। ये इसके ऑप्शन थे 21, 22, 23, तो 23 आप लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटा जी, ओके क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 124 की तरफ। 124 में उसने क्या बोला जी, 124 में बेटा जी कहता है कि इन द फॉलोइंग सीरीज, अब सीरीज उसने बताई है बड़ी ही, उसने एक आसान उसने सीरीज दे दी 12, 11, 13, 12, 14 और उसके बाद जी 13, अब उसके बाद जी यहाँ पे जी क्या आएगा क्वेश्चन बेटा। इसको अगर गौर से अगर देखो इसमें दो सीरीज चल रही है, इसको मैं कलर में जरा डिफरेंट कर लेता हूँ। एक ये सीरीज चल रही है, एक ये सीरीज चल रही है जी, और एक ये सीरीज चल रही है, एक ये सीरीज चल रही है, यानी कि 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद यहाँ पे 15 आना चाहिए, ये 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इसके बाद यानी कि यहाँ पे 14 आना चाहिए, तो 15 बेटा इसका राइट ऑप्शन है। 124 का देखिएगा सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। ठीक है जी, 125 में देखते हैं बेटा, बाकी आसान आसान क्वेश्चन आए हुए इनको अब मैं इंशाल्लाह अजीत आपसे वैसे मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ काइंडली पेपर देख लीजिएगा। कहते हैं इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 1, 1/2 और 1/4, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बेटा इसको आप देखिए इसको हाफ करता जा रहा है, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का भी आप हाफ अप करोगे तो ये बेटा 1/8 आपका राइट ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ओके। 125 के बाद डायरेक्ट 133 पे चलते हैं, दरमियान में उसने कोई EDS के क्वेश्चन दे दिए। 133 में कहता है व्हाई माय वाइफ एंड मी हैव टू सन्स, यानी के मेरे दो बच्चे हैं और मेरे बीवी के भी दो बच्चे, अगर मेरे भी दो बच्चे हैं तो बीवी के भी दो बच्चे, इसका मतलब हम दोनों के दो ही बच्चे हैं। ठीक है जी, ओके, यानी कि टोटल 2 इसमें बच्चे हैं, 2 सन्स हैं। अच्छा, उसने सन्स की बात की, 2 बेटे। फिर कहता है ईच सन हैव अ सिस्टर, इसकी भी एक सिस्टर है, इसकी भी एक सिस्टर है, तो अगर 2 अगर बेटे हैं दोनों की एक एक सिस्टर है, इसका मतलब एक ही सिस्टर है, इसकी भी एक सिस्टर है, इसकी भी एक सिस्टर, मतलब एक ही सिस्टर है, यानी कि इनकी कॉमन एक ही सिस्टर है। एक एक सिस्टर हो गया, 2 सन हो गए, और ये मियाँ बीवी हो गए। क्वेश्चन कहता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो ये 1, 2, 4 और 1, 5, टोटल 5 इस फैमिली में मेंबर्स हैं। ठीक है, ये एक टोटल आप कह लें कि मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन था। आगे बेटा 134 में कहता है फार्मर हैज 10 काउस, ये बेटा बड़ा आसान था, उसने क्वेश्चन एक दिया हुआ है। 134 में कहता है एक फार्मर के पास टोटल 10 गाय हैं, उनमें से कहता है कि all cows died except four, 4 के अलावा सारे जी डाइड हो गए, सारी मर गए। अब लाजिम बात है जो मर गई वो तो गई, पीछे 4 बचे तो जिंदा कितने हैं, लाइव उसमें 4 ही हैं। उसका क्वेश्चन भी यही था कि भाई हाउ मेनी कॉज आर लेफ्ट, वो 4 ही बचे। बेटा ये आसान आसान क्वेश्चन, मुझे खुद मतलब समझ नहीं आया कितने आसान लेवल के उसने क्वेश्चन से दिए हुए हैं, तैयारी ना भी हो तो ये तो आम सिंपल बच्चा भी बेटा कर लेता है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था कि 139 नंबर था, इफ वी एड अ कॉन्स्टेंट 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा ऑफ सेट देन फाइंड द मीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर हो, 139 की बात करो, मतलब मेरे पास अगर 3 अगर नंबर हो, 2, 4 और 6, अगर इनका मैं मीन में निकालूं तो इनका मीन कितना आता है, 2, 4, 6 और 6, 12, 12/3, ये इनका मीन आता है 4। अब उसका क्वेश्चन ये है अगर इन सारी ऑब्जर्वेशन में से अगर मैं 3-3 अगर मैं इनमें ऐड में कर दूं, इसमें भी अगर मैं 3 में ऐड कर दूं, इसमें भी अगर 3 में ऐड कर दूं, इसमें भी अगर मैं 3 में ऐड कर दूं, तो वो कहता है कि फिर क्या इसमें फर्क क्या बनेगा, फाइंड द मीन, वो फिर क्या इसमें फर्क आएगा। तो इसको भी अगर हम इसको डिवाइड हम करें, ये 5 + 7 + 9/3 ये आ जाएगा, 5, 7, 12, 12 और 9, 21, 21/3 तो ये आएगा 7,
ये बेटा 3s में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाय 3। आप 2, 4, 6 के अलावा कोई भी एग्जांपल आप लोगे, आपका हमेशा आपका आंसर यही आएगा कि ये 3 इंक्रीज हो जाता है। इसका ये ऑप्शन है, इंक्रीजेस बाय 3। ठीक है जी, इसका ये आपका बेटा राइट आंसर आएगा, इंक्रीज बाय 3, कि उसकी एवरेज पहले जो थी, अब जो एवरेज आई है वो इसकी एवरेज जो है वो 3 इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 140 पे। 140 में उसने मीन वाला क्वेश्चन बेटा दे दिया है। 140 में कहते हैं इफ 3 ऑब्जर्वेशन आर 5, 5 एंड 5, 5, 5 और 5, ये 3 ऑब्जर्वेशन है, कहते हैं मुझे इनका मीन बताओ। तो मीन का आपको फार्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये 15/3, ये कितना आएगा आपका, 5 आपका राइट ऑप्शन आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। 141 में भी उसने एवरेज की बात की है, मीन की बात, सॉरी रेंज की उसने बात की है। 141 में रेंज का कंसेप्ट है, रेंज आपको मैंने बताया हुआ है, मेरी बुक का पहले कंसेप्ट है, रेंज है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मेरी बुक आप ओपन करेंगे पहले कंसेप्ट आपको मिलेगा। अब वो कहता है इफ द मिनिमम वैल्यू इन अ सेट इज 5, मिनिमम अगर 5 हो एंड द रेंज इज 50, और अगर रेंज अगर 50 हो तो आपने बताना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 5 को तो जाकर प्लस कर दे, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जी 55। ये आपकी ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन 55। 142 में बेटा जी कहता है कि मुझे बताओ द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर आप मेरे चेक करेंगे, अभी मैंने एक दिन पहले मैंने लेक्चर मैंने अपलोड किया था प्रोबेबिलिटी का लेक्चर, उसमें मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 और ये 1 के दरमियान में ये रहती है, ठीक है ना, ये 0 और 1 के दरमियान में रहती है। इसका आप लोगों का सी ऑप्शन राइट था, 0 to 1, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था। अच्छा बेटा जी, इसके बाद बस एक क्वेश्चन है, 143 लास्ट क्वेश्चन है, यही आप लोगों का मैथ का सेक्शन आया होता है, इसको इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस आप लोगों से कर दूं। 143 में कहता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10, 5 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन है जी 10। मीन का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यू, यहाँ से बेटा आप इनका सम निकाले 10 into 5, ये आपका आ जाएगा 50। फिर कहता है अगर उनमें एक ऑब्जर्वेशन 10 भी अगर ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 60। अब इनकी एवरेज कितनी आएगी, इसको अगर आप 6 पर आप डिवाइड अप करें तो ये बेटा जी आप लोगों का 10 आपका राइट आंसर आता है, ठीक है। यानी कि उसने पहले उसने ये बताया जी ये इतनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन, उनका मीन है 10, इनका टोटल आप निकाल ले 50 आ गया। फिर वो कहता है अगर इनमें एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं एक और भी ऐड कर दूं 10, तो फिर वो बनके 60। कहता है अब इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन आपका 60 डिवाइडेड बाय अब 6 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू और भी इसकी इंक्रीज हो गई है, तो ये आप लोगों का टोटल आ जाएगा 10। इसका राइट आंसर ये बेटा आप लोगों का बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन था। इसके अलावा बेटा कुछ आप लोगों के लॉजिकल वे में क्वेश्चन आए होते हैं, वो बेटा मेंटली टाइप यानी कि मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन थे, वो बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये इसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह भी थे कि जी एक बल्ब एक्स है वो लॉन्गर देन बल्ब वाई है, बल्ब वाई जो है वो डज नॉट लॉन्गर देन बल्ब। ये बेटा इन क्वेश्चन को बेटा आप लोग पढ़ोगे सिंपल बेटा इनके आंसर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। तो बेटा जो मैथ का जो सेक्शन था, मैथ सेक्शन के अंदर जो जो चीजें थी वो इंशाल्लाह अभी आप लोगों से मैंने बेटा डिस्कस कर लिया है, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी आप लोगों से मैंने जो प्रॉब्लम्स थी इनके जो आंसर के में जो इश्यूज थे वो बेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बेटा मेरे आप सब लोगों के लिए बेटा दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि आप लोगों के ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का टेस्ट, मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे बेटा आप लोगों का CSS का एबिलिटी का पेपर आ रहा है, उसमें बेटा आप लोग बहुत अच्छे स्कोर करें, मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। आप सब लोग बेटा मुझे भी दुआ में याद रखें, आप सब लोग ये मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और आप लोग ये चैनल से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मेरे बेटा हर महीने मेरा न्यू सेशन आते हैं, अगर आप में से मुझसे कोई प्रिपरेशन को करना चाहे तो प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को अपना नंबर में आप में मेंशन कर देता हूँ, आप लोग बेटा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर है 0332-676-5838। ये मेरा अभी इंशाल्लाह 5/28 से न्यू सेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है ये CSS एबिलिटी का, और मेरे पास बेटा वन पेपर के भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे FPSC का, PPSC का, जो मैथ में पेपर्स में मैथ आती है, NTS, GATE, जनरल के काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास।
तो आप में से किसी ने भी अगर कोई भी प्रिपरेशन करनी हो मैथ्स एनालिटिकल इसके रिलेटेड, तो आप लोग बेटा मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को बेटा ये सराहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।